क्लास 12th में आप देखें। नेक्स्ट वीडियो जो आपका है वो आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। अभी इससे पहले आपने किया था एट पार, एट पार में था कि आपका जितना शेयर आपने इशू किया था मार्केट में और उतने ही शेयर आपके क्या होते थे मार्केट में पूरे पूरे सेल हो जाते थे और सही फेस वैल्यू पे सेल होते थे। 10 रुपीज का अगर आप एक शेयर इशू करते थे तो 10 रुपीज का ही वो मार्केट में सेल होता था। नेक्स्ट था उसके बाद था आपका शेयर इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम में था कि जो आपकी फेस वैल्यू थी उससे ज्यादा प्राइस का अगर वो मार्केट में इशू होता था तो वो कहलाता था उसका इशू एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल आपका 10 का शेयर था और आपने उसको 12 रुपीज में इशू किया तो वो जो रुपीज इसमें जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा है ये आपका क्या कहलाता था, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। क्या कहलाता था, प्रीमियम। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आई थी हमारी शेयर इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में हमारा क्या था, 10 रुपीज का शेयर 9 रुपीज में या 8 रुपीज में इशू होता था, जो हमारा इसमें 1 रुपीज या 2 रुपीज का लॉस होता था ये हमारा क्या कहलाता था, डिस्काउंट। ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में है कि हमने जितने शेयर्स मार्केट अभी तक था तीनों ही कंडीशन में था, जितने शेयर्स आपने मार्केट में इशू किए हैं पूरे के पूरे सारे के सारे शेयर्स शेयर होल्डर ने क्या कर दिए थे, सब्सक्राइब कर दिए। अब जो इसमें है कि जितने आपने शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं उसमें से शेयर होल्डर ने कुछ शेयर सब्सक्राइब किए हैं कुछ शेयर ने छोड़ दिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 शेयर क्या किए हैं, शेयर इशू 10,000 शेयर इशू और आपके क्या है 9,000 क्या हो गए हैं, सब्सक्राइब हुए 9,000 सब्सक्राइब हुए हैं और 1,000 क्या बच गए, लोग
ये तो हो गया उस रेशो के ओनली 18,000 शेयर्स, 18,000 शेयर वेर सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये आपका 20,000 शेयर इशू हुए हैं जिसमें से प्री एप्लीकेशन पे है, प्री अलॉटमेंट पे है और आपका टू फर्स्ट कॉल पे है और टू पीस आपका पहले कॉल पे है। यहाँ तक आपको समझ में आया है? और उसने कहा है कि 18,000 शेयर पर सब्सक्राइब हुए हैं और बाकी जो 2,000 है वो सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, वो सेम होने से रेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ साइड में एक टेबल बनाते हैं, इशू कितना 20,000, सब्सक्राइब 18,000, अब उसके बाद एप्लीकेशन फी, अलॉटमेंट फी, फर्स्ट कॉल टू एंड फाइनल कॉल टू। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है आपका, इशूड शेयर है आपके 20,000 और आपके जो सब्सक्राइब शेयर है वो आपके 18,000, एप्लीकेशन पे आपका 3 रुपीज है, अलॉटमेंट पे आपका 3 रुपीज है, फर्स्ट कॉल पे आपका 2 रुपीज है और फाइनल कॉल पे भी आपका 2 रुपीज है। अब यहाँ पे आके हम पूरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया, ये आपकी पूरी टेबल है, इस टेबल को बेस मान के आपको पूरा क्वेश्चन करना है। सबसे फर्स्ट आपको एप्लीकेशन मनी मिलती है, एंट्री क्या करते हैं आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 54,000 कितना 54,000 हो गया। बी एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हो गया। अब आपकी सेकेंड एंट्री आ जाएगी, सेकेंड एंट्री में आप क्या करेंगे उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 54,000, कितना हो गया 54,000 हो गया आपकी एप्लीकेशन की। डी ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी इनटू शेयर कैपिटल, ये हो गया। अब आपकी थर्ड एंट्री आती है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है, ये आपकी सेकंड एंट्री है, अब आपकी थर्ड एंट्री आती है, शेयर अलॉटमेंट आप कॉल करते हैं। अगर आप एप्लीकेशन वो सॉरी डिस्काउंट या प्रीमियम लगाते हैं तो वो भी आपका इसमें कंटिन्यू होगा। अगर आपने उसने शेयर इशू या डिस्काउंट किया होता है उतने परसेंट से किया होगा उतना आपका यहाँ पे 18,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस जो भी हो जाता है आपका यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे फिलहाल डिस्काउंट है नहीं तो हम सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका कॉल किया गया है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 54,000। नरेशन होगी आपकी बी अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी मेड, आपने क्या किया अलॉटमेंट मनी कॉल की। अब आपको जब अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगी तो आप एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, आपको कुल मनी रिसीव हुई है 54,000।
स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे कम है। नेक्स्ट आपका कॉल कर रहे हो आप, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 36,000 कितना हुआ 36,000 आपका कॉल हुआ है। अब आपकी रिसीविंग होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 36,000 दिस वन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फाइनल कॉल, फाइनल कॉल की भी सेम एंट्री आपकी जैसे आपकी डिमांड होगी वैसे ही शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 36,000 अगेन क्योंकि प्राइस आपका फेस वैल्यू आपकी सेम है। नेक्स्ट जब आपको रिसीविंग हो गई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, फर्स्ट आपका हुआ है 18,000 से आपका क्वेश्चन होगा पूरा जनरल एंट्री का। मैंने पहले बताया था कि जितने आपके सब्सक्राइब होंगे शेयर्स उसी से आपका क्वेश्चन होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपको रिसीव हो गई। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या आपने ट्रेडिंग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है। अब आपको शेयर अलॉटमेंट के पैसे की जरूरत आप कॉल कर रहे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट दिस वन ये आपने कॉल किया है। फिर आपको रिसीविंग हो गई है बैंक में पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर आपने फर्स्ट कॉल की डिमांड किया और आपको मनी रिसीव हुई है। फिर आपने फाइनल कॉल की डिमांड किया और आपको मनी रिसीव हुई है। अब इसके बाद इसी से ही हमको बनानी है बैलेंस शीट जिसमें आपको ये पता लगेगा कि किसको शेयर कैपिटल कहाँ दिखाया जाए और आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहाँ पे दिखाया जाए। तो उसके लिए हमें क्या पहले ही पता होना चाहिए कि हमारे बैंक में रिसीविंग कितना हुआ है। एक बैंक अकाउंट उसके बाद दूसरा तीसरा और चौथा चारों का टोटल कितना है 36,000, 54,000 and 54,000 यहाँ पे कैसे होगा यहाँ पे होगा इसको तो आपने क्लोज कर दिया। अभी बैलेंस शीट आ गया आपकी समथिंग है देखते हैं
सब्सक्राइब, शेयर, क्या करें कितना है सब्सक्राइब 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000 या कैसे क्लोज होगा या की कैसे क्लोज होगी आपकी आपके आपका असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल आ रहा है। अगर आपको ऑथराइज भी यहां पे दिखा था क्वेश्चन में कि ऑथराइज शेयर कैपिटल इतना, इशूड इतना और सब्सक्राइब इतना, तो यहां पे पहले ऑथराइज दिखाते, ऑथराइज को यहां पे शो ऑफ करा के जैसे आपने इसको क्लोज किया उसको क्लोज करते, फिर इशूड शेयर कैपिटल है वो आप यहां पे दिखा के जैसे इसको क्लोज किया वैसे क्लोज करिए और फिर उसके बाद सब्सक्राइब भी करके और दोनों का आपको बैलेंस इक्वल करना है। अगर डिस्काउंट होता तो वो भी आपको यहाँ पे शो ऑफ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों असेट्स और लायबिलिटीज दोनों का टोटल आपका इक्वल आ गया। अंडर सब्सक्रिप्शन में यही है आपका ख्याल था कि जितने शेयर्स आपके मार्केट में इशू किए हैं उससे कम पे आप सब्सक्राइब किए गए हैं, फेस वैल्यू सेम है, शेयर्स आपके कम बिकेंगे तो वो कहलाएगा आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने आपके शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं जो जनरल एंट्री है वो आपकी सब्सक्राइब शेयर होल्डर पे होगी और जो बैलेंस शीट है पहले इशूड दिखाएंगे आप और प्राइस इशूड और फिर उसके बाद सब्सक्राइब शेयर क्या करेंगे उसको क्लोज करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू। अगले टॉपिक में हम कॉल्सिन एरिया और कॉल्सिन एडवांस दोनों करेंगे, उसके थोड़ा सा आप एडवांस में पढ़िएगा ताकि आपको समझाने पे पढ़ाने पे तुरंत वो चीज़ आप कैच कर पाए और आप उस चीज़ को समझ पाए। थैंक यू।